हरि ओम नारायण हरि। आज आप सब लोगों के लिए मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वो आपको जैसे ही आपको वीडियो मिले उसके बाद आप शुरू कर दें, क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है, नवरात्र आने वाले हैं, इसीलिए मैं समय रहते मैं ये उपाय दे रही हूँ कि दिवाली आते आते आपकी एक ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की शक्ति आपको अपने आसपास प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। तो आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आपस में सबकी केयर करें, क्योंकि देखभाल एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे को बहुत सहारा देती है। हमारे दो शब्द बोले हुए, दो बोल किसी को नया जीवन दान भी दे सकते हैं और हमारे दो कड़वे बोल किसी का जीवन खराब भी कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसी बात मत बोलिए जो किसी का मन दुखा रही हो। लेकिन संसार में जीना है तो ऐसा भी ना हो कि लाठी से आपको लोग ही मार दे, जैसे सांप को लाठी से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सांप अपनी फुंकार दिखाता है तो सब पीछे हटते हैं। तो इसलिए विनम्रता रखते हुए ऐसी विनम्रता रखें कि कोई आपको लाठी ना मारे। तो फिर भी ज्यादा पोर्शन जो है पॉजिटिविटी का रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आज वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो मैं आज उपाय लेकर आई हूँ धन प्राप्ति का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं वैदिक उपायों से बाहर कम ही जाती हूँ, ऐसे उपाय जो प्रचलन में भी हैं और अनुभूत भी हैं और सबको बेहद लाभ भी पहुंचाते हैं। सबको पहुंचाया है, आप करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, करना इजी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहती हूँ जिसे करने में आपको दिक्कत आए। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, तो दोनों चीज़ें यहाँ होती हैं। और पर्सनल रीडिंग चाहे टैरो कार्ड की हो, चाहे आपका बर्थ चार्ट की हो, वो पेड है। वो आपको जब आप मैसेज करेंगे, फ़ोन ना करें आप, क्योंकि फ़ोन यहाँ उठाया नहीं जा सकता क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। तो आप मैसेज करेंगे तो मैसेज ज़रूर आप यहाँ पढ़ा जाता है और वो मैसेज मेरे तक ज़रूर पहुँचता है। तो आप मैसेज करें और सारी उसी में आपको आगे डिटेल्स बता दी जाएंगी। इसके बाद आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम उपाय की बात पे लौटते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, नवरात्र आने, यानी कहने का मतलब यह है कि ये समय इतना पावरफुल होता है, इतना पॉजिटिव टाइम रहता है ये वाला, कि हम जो चाहें सो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस समय का जो आपके पास एक सवा महीना है उसका पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि इस सदुपयोग से आपके जीवन में भी अमूलचूल परिवर्तन होंगे और आपकी बहुत सारी परेशानियों में ये सहायक होगा और आपकी अगले एक साल की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ इस उपाय से, या जो मैं आजकल उपाय बता रही हूँ उन उपायों से कट जाएंगी। आप बड़ी मुसीबत से भी निकल जाएंगे और आने वाली मुसीबत से भी बच जाएंगे, क्योंकि ये समय इतना पावरफुल होता है जो हमें हर तरह से लाभ देता है और हमारा किया हुआ पुरुषार्थ, किया हुआ कार्य उसमें कभी निष्फल, इस समय में कभी निष्फल नहीं जाता। तो इसलिए मैं बार बार इस बात के लिए आग्रह करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मेरा मन जो आशय है, जो मेरा एक अर्थ है आप सब लोगों को सुखी देखने का, आनंदित देखने का, वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। मैं किसी को परेशान या
दुखी नहीं देख सकती हूँ। तो आप लोग इन उपायों को जरूर करें, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो उस उपाय को अपने जीवन का एक अंग बनाए। लेकिन हाँ, ये जो मैं आज उपाय बताने जा रही हूँ, इसके कुछ करने के नियम हैं। वो नियम पहले आप जान लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा मंत्र की करते हैं। मंत्र भी बहुत छोटा है और बड़ा पावरफुल है, देखन में छोटा लगे गाव करे गंभीर। तो एक आपके पास आसन होना चाहिए, उस आसन पे आप नित्य बैठे। आपका आसन होना चाहिए, उस आसन का इस्तेमाल घर का कोई भी सदस्य ना करे। आप अपने आसन का प्रयोग आप स्वयं ही करें, अन्य सदस्य उसका उपयोग ना करें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप एक कमल गट्टे की माला लें, बाजार में आसानी से अवेलेबल है और महंगी भी नहीं है, सस्ती है। आप कमल गट्टे की माला लें, उसका शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद आप उसको अपने जाप के लिए, जो मैं मंत्र बताऊंगी, उस जाप में उसका उपयोग शुरू करें, उससे जाप करें। कमलगट्टे की माला से जाप करें। इसके बाद तीसरा नियम ये कि जो आप समय निर्धारित करें जाप के लिए बैठने का, वो एक समय रखें। जो समय आप रखें उसी समय पे जाप करें। इसके साथ एक और बात, जो संख्या निर्धारित करें, मुझे एक माला, दो माला, तीन माला, जितनी मालाओं का भी आप संकल्प लें, उस संकल्प को नित्य करें। कमल गट्टे की माला पर, अपने निजी आसन पर जो इस्तेमाल ना करें, कमल गट्टे की माला का भी इस्तेमाल आप स्वयं करें, दूसरा कोई ना करे उस माला का ही इस्तेमाल। और अगर आपके घर के तीन लोग इस जाप को करना चाहते हैं तो तीनों अपने आसन और अपनी मालाएं अलग अलग रखें। ये कुछ इसको करने के डू एंड डोंट्स हैं। इसके बाद मंत्र जो है वो इस प्रकार है, ओम क्लीम हरीम महालक्ष्मी नमः। फिर बोलती हूँ, ओम क्लीम हलीम महालक्ष्मी नमः। फिर बोलती हूँ, क्योंकि बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको सुनने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक बार मैं जल्दी जल्दी बोल दूँ और फिर आप उसे पकड़ ना पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, मैं बड़ा धीरे बोल रही हूँ। ओम क्लीम हलीम महालक्ष्मी नमः। अब लास्ट टाइम एक बार फिर बोलती हूँ, ओम क्लीम हलीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप जितना अधिक आप करेंगे उतना लाभ निश्चित रूप से पाएंगे। माँ बड़ी कृपालु है, माँ बड़ी दयालु है, माँ कृपा जरूर करती है। और ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको जितना अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर करेंगे, सबको लाभ होगा आप इस चीज़ को, और आपको भी लाभ होगा। जब हम किसी चीज़ का दूसरे के फायदे के लिए वो करते हैं, तो जब वो जाप करेगा तो उस जाप का फल आपको भी मिलेगा, जितने लोग इसको शेयर करेंगे। ये एक प्राकृतिक नियम है। जब हम किसी पुस्तक को दान देते हैं धार्मिक, जब वो उसका पाठ करता है तो उसका फल हमें भी मिलता है, दान देने वाले को भी। इसी तरह जो आप ये वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, वो लोग जाप करेंगे तो आपको भी उसका फल, उनके जाप का फल मिलेगा। ये सनातन सत्य है। हरि ओम नारायण हरि।